हेलो एवरीवन। सो आज मैं आई हूँ एचपी पुलिस कांस्टेबल के इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट लेकर। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है आज का, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन सिनोनिम्स, यानी समानार्थी शब्द, जिसका मतलब एक जैसा होता है, सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं। तो उसकी हम आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। इट विल कंटेन अबाउट 20 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। सो लेट अस बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर अबंडेंस, जो सिनोनिम होता है, ये इसका मतलब होता है सिमिलर। तो ये कह रहे हैं अबंडेंस, भरपूर जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं। स्कार्सिटी होता है कम, सरप्लस होता है ज्यादा, जरूरत से, डेफिशिएंसी होता है किसी चीज की कमी, एंड शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज भी कमी होता है, डेफिशिएंसी लेकिन बॉडी से रिलेटेड होती है, जैसे कि कोई बीमारी वगैरह किसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयरन वगैरह। शॉर्टेज होता है बल्क में कोई चीज़ आती है, वो इसकी कमी हो गई है। तो सरप्लस इसका आंसर है, क्योंकि सरप्लस ही ज़्यादा बताता है। अबंडेंस ऑल्सो मीन्स मोर एंड सरप्लस ऑल्सो मीन्स मोर, रेस्ट ऑल द थ्री मीन्स लेस। अबंडेंस मीन्स हैविंग मोर देन इनफ फॉर समथिंग, सरप्लस ऑल्सो मीन्स हैविंग मोर देन नीडेड, सो इट इज़ द करेक्ट सिनोनिम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर एमिएबल। एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल, प्लेजेंट, अनफ्रेंडली, एंटेगोनिस्ट। हॉस्टाइल होता है जो ज़्यादा किसी को झेल नहीं सकता है, प्लेजेंट होता है जो बहुत ही प्लीज करता है, किसी को खुश कर देता है, अनफ्रेंडली तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता, एंटेगोनिस्ट होता है किसी स्टोरी का विलन हो जाना। तो एमिएबल का मतलब होता है प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब कि सबको रुझाने वाला। ओके, नेक्स्ट। इनएविटेबल, इनएविटेबल का लिटरल मतलब होता है कि कुछ चीज जो टाली ना जा सके, समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, सच एज अवॉइडेबल। अवॉइडेबल तो इसका मतलब नहीं होगा, सरप्राइजिंग भी नहीं होगा, क्यों, सरप्राइज कर देना नहीं होता है, अनलाइकली कि ऐसा होता तो नहीं है, ये भी इसका मतलब नहीं है। जब इनएविटेबल का मतलब है समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, तो उसका मतलब हुआ अनअवॉइडेबल है वो चीज, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाता है, अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर परप्लेक्स्ड। क्लियर, क्लियर से हम क्या समझते हैं कि एकदम हमें क्लैरिटी है किसी चीज की। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मतलब बिल्कुल पजल हो जाना किसी चीज में। डिसाइसिव, डिसीजन लेने की जो पावर होती है हम उसको डिसाइसिवनेस कहते हैं। सर्टेन, सर्टेन भी होता है कि हाँ मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि कंफ्यूज्ड इस ये तीन अलग वर्ड्स हैं, एंड परप्लेक्स्ड मीन्स कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर मिजरली। मिजरली होता है बहुत बुरे तरीके से। जेनरस, माइजर का मतलब होता है कंजूस, एक्चुअली तो वो कंजूसी करने वाला कौन होता है। वेस्टफुल, सॉरी जेनरस, जेनरस होता है जो बिल्कुल दानवीर होता है, जो बहुत दान करता है चीजें, तो ये तो माइजर मिजरली नहीं हो सकता है। वेस्टफुल, वेस्टफुल जो चीज वेस्ट होने वाली होती है वो तो नहीं हो सकता है। एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज्यादा खर्चा करने वाली हो वो चीज भी नहीं हो सकता है, तो इसका बच गया हमारे पास स्टिंकी। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, एंड इफ यू नो द सिनोनिम दैट इज ऑल्सो क्वाइट ऑल राइट, तो इसका आंसर आ जाता है स्टिंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर हिलेरियस। सुना है, इट इज दिस जोक वॉज वेरी हिलेरियस, ही इज वेरी हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या होता है? बोरिंग, बिल्कुल भी नहीं। अम्यूजिंग, यस। हिलेरियस का मतलब होता है लाफेबल, जिस पे आपको हंसी आए, जिस पे आप खुश हो, जिस पे आपका जो आपको अम्यूज करे, जो आपको खुश करे, ये चीज। सीरियस भी नहीं है इसका, ग्रिम भी हो, ग्रिम भी सीरियस का सिनोनिम है, ये भी नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास अम्यूजिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है हमें? अबोर होता है किसी चीज को पसंद ना करना, डिसलाइक समथिंग। डिसलाइक समथिंग, लव किसी चीज को प्यार करना, अडोर किसी चीज को
बहुत ज्यादा पसंद करना, लाइक भी होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना, डिटेस्ट, डिटेस्ट होता है किसी चीज से घिन आनी आपको, तो डिटेस्ट, जैसे लोग लिखते हैं आई डिटेस्ट फनी पीपल, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बदले हम अब और भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर इंसेसेंट। इंसेसेंट बोलते हैं ना, इट इज एन इंसेसेंट नीड टू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग नहीं, सीजिंग, स्टॉपिंग का मतलब रुक जाना, सीज का मतलब स्टार्ट कर देना, इंटरमिटेंट का मतलब बीच बीच इंटरवल्स पे करना, कंटिन्यूस होता है जो लगातार होता है, इंसेसेंट होता है कंटिन्यूस की, लगातार कोई चीज हो रही है तो वो इंसेसेंट होती है, कंटिन्यूस होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक होता है जो अपने में ही उलझा रहता है, एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है लोगों का, जो अपने में ही उलझे रहते हैं, वो दूसरों को अजीब लगते हैं। नॉर्मल इसका नहीं होगा, बिकॉज दिस मीन्स वियर्ड। कन्वेंशनल बिल्कुल नहीं है इसका आंसर, स्ट्रेंज हो सकता है, टिपिकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ टिपिकल नहीं हो सकती जब वो चीज़ अजीब है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेंज इसका सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर अबिज्मल। अबिज्मल क्या मतलब क्या होता है? अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, हम इस एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं, एक्सेलेंट गुड एंड मीडियोकर, सभी अच्छे रिमार्क्स है लेकिन एक रिमार्क जो इसमें बेकार है, तो अबिज्मल का मतलब होता है पुअर, या फिर बहुत ही बुरा, जिस जो हैरान कर देने वाला होता है, दैट मीन्स अबिज्मल। शॉकिंग, अबिज्मल ऑल्सो मीन्स शॉकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर मंडेन। मंडेन होता है, मंडेन का मतलब ही होता है बोरिंग, मंडेन मीन्स बोरिंग। ऑन संडे वी डू द मंडेन टास्क, वी कंप्लीट द मंडेन लिस्ट दैट वी हैव। एक्साइटिंग होता है खुश कर देने वाला, बोरिंग होता है मंडेन, इंटरेस्टिंग होता है कुछ इंटरेस्ट देने वाला, एंड थ्रिलिंग होता है जिससे हम एडवेंचरस टाइप थिंग। ओके, सो बोरिंग इसका करेक्ट आंसर है, इसका एक्चुअली में बेसिक सिनोनिम बोरिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर नेफेरियस। नेफेरियस होता है नोटोरियस, शरारती, ऑल्सो मीन्स नोटोरियस। वर्चुअस, जो वर्चू से भरा है, जो अच्छी चीज से भरा है, नहीं। विकेड हो सकता है। ऑनरेबल, ऑनरेबल बिल्कुल भी नहीं होता, नोटोरियस चीज कभी भी ऑनरेबल नहीं होती है। अपराइट, सही, ये भी नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाता है विकेड, विलनस जो चीज होती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर एडिक्वेट। एडिक्वेट क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, कि मतलब हाँ जरूरत के लायक चीज है, सफिशिएंट है मेरे पास। इनसफिशिएंट इसका ऑपोजिट हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। डेफिशिएंट नहीं होता है। स्कैंट, स्कैंट मीन्स लेस, वेरी लेस, है ना। इनफ, इनफ ही होता है सफिशिएंट, आई हैव इनफ, आई हैव सफिशिएंट, तो ये सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है मुश्किल, डिफिकल्टीज। फॉर्च्यून होता है किस्मत, प्रॉस्पेरिटी होता है बरकत, हैप्पीनेस होता है खुशी, मुश्किलें होता है हार्डशिप। हार्डशिप इसका सिनोनिम है एडवर्सिटी। ही लेफ्ट हर देयर इन एडवर्सिटी, मुश्किल सिचुएशंस में उसने उसको वहीं छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, इसका मतलब क्या होता है? दिखावा करने वाला, प्रिटेंड करने वाला, जो अपने आप को ज्यादा बनता है, ओवर द टॉप। ऑस्टेंटेशियस, ही इज अ वेरी ऑस्टेंटेशियस पर्सन। देखो, मॉडेस्ट होता है शर्म हाया करने वाला, ये नहीं आएगा। हम्बल होता है ग्राउंडेड इंसान, जो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी के साथ जीता है। सिंपल इज नॉट। प्रिटेंशियस मीन्स यस, टू प्रिटेंड समथिंग। ओके,
Which of the following is a synonym for ambiguous? Ambiguous का मतलब होता है वेग, वेग मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं है जो चीज, तो हमें ऑप्शन से ही पता लग रहा है अनक्लियर है इसका आंसर. Which of the following is a synonym for astute? Astute means shrewd. कैसे? Foolish, stupid, unintelligent. तीनों ही बेवकूफों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन श्रूड एक क्लेवर इंसान को डिफाइन कर रहा है. सो यू आर वेरी एस्ट्यूट व्हाइल यू डिसाइड, तुम बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेते हो जब तुम कोई चीज डिसाइड करते हो. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिन वेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ बेलिजरेंट? फ्रेंडली, हॉस्टाइल, कोऑपरेटिव, अग्रीबल. फ्रेंडली ये होता है बिल्कुल अनफ्रेंडली होता है वैसे इसका मतलब, अनफ्रेंडली, नॉट पोलाइट. कोऑपरेटिव भी होता है जो कोऑपरेट कर ले, अग्रीबल भी होता है जिसकी बात मानी जा सके, लेकिन हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव एंड बेलिजरेंट. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर कैप्रिशियस? कैप्रिशियस क्या होता है? जिस चीज का सडन, सडन और अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड या जिस चीज का हमें हम पता ना लगा सके वो चीज होती है कैप्रिशियस. कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कैप्रिशियस होता है नहीं, क्योंकि हम कंसिस्टेंट हमारा वर्क दिखता है. अनप्रडिक्टेबल माइट बी, स्टेडी होता है, स्टेबल, स्टेबल ऑल्सो इज स्टेबल. स्टेबल एंड स्टेडी आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, सो अनप्रिडिक्टेबल इज द राइट आंसर. अनअकाउंटेबिलिटी जो होल्ड करता है दैट इज कैप्रिशियस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट? एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मीन फ्लुएंट. डिस्क्राइब दिस आंसर टू मी एलोक्वेंटली, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली आप मुझे ये आंसर डिस्क्राइब करें. इन आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट दो दी, देखो आर्टिकुलेशन दिया हुआ है. आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है फ्लुएंटली. ही कैन टॉक इन इंग्लिश आर्टिक्वेटली, आर्टिक्यूलेटली, सॉरी. अनइंटेलिजिबल नहीं है इसका. मम्बलिंग, अपने आप में बड़बड़ाना, दैट इज ऑल्सो नॉट इट्स मीनिंग. इट्स मीनिंग इज आर्टिक्यूलेट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर फर्टिव? फर्टिव का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा हिडन, हिडन काम करता है, सीक्रेसी से काम करता है. ओपन, कैंडिड, सीक्रेटिव, ऑनेस्ट. सीक्रेटिव क्योंकि इसका मतलब सीक्रेसी होता है. फर्टिव, दिस डिसीजन ऑफ योर्स वॉज वेरी फर्टिव. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर इनडिफरेंट? इनडिफरेंट कौन हुआ? जो डिफरेंट नहीं है. केयरिंग, इनडिफरेंट होता है अलग, अलग हो, अलग ना होना. डिफरेंट होता है अलग होना, इट मीन्स सेम. ओके, केयरिंग, एपिथेटिक, कंसर्न, इंटरेस्टेड. कंसर्न होता है किसी की फिक्र करना, इंटरेस्टेड होता है किसी में इंटरेस्ट लेना, केयरिंग होता है किसी की केयर करना, अपथेटिक होता है जिसमें कोई भी सिंपथी नहीं है. वन हु इज पथेटिक, हु डज नॉट हैव एनी सिंपथी. ओके, सो अपथेटिक इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर जोवियल? जोवियल क्या होता है? हैप्पी. जोवियल मीन्स हैप्पी, जॉली. ओके, ग्रिम मीन्स कम, मोर, चीयरफुल, मिजरेबल. ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो इसका आंसर हैप्पी का सिनोनिम इज ऑल्सो चीयरफुल. सो ये जोवियल का मतलब चीयरफुल होता है इसका सिनोनिम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर ल्यूमिनस? ल्यूमिनस होता है जो चीज शाइन करती है. वन दैट शाइन्स, जैसे कि मून. शाइन क्या करती है? डार्क करता है शाइन, डल करता है शाइन, ब्राइट करता है शाइन, या शेडोई करता है? ब्राइट करता है शाइन. ल्यूमिनस मीन गिविंग ऑफ लाइट या शाइनिंग, सच एज मून. मून इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मून इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर नॉस्टैल्जिया?
नोस्टैल्जिया तो सभी बोलते हैं आजकल, यार नोस्टैल्जिया हो गया था. व्हाई? बिकॉज दे रिमेंबर ओल्ड थिंग्स, रिमेंबरेंस, रिमेंबरेंस ऑफ ओल्ड थिंग्स मीन्स नोस्टैल्जिया. रेमिनिसेंस, रिग्रेट, लॉन्गिंग. रिग्रेट होता है किसी चीज का पछतावा करना. लॉन्गिंग होता है किसी चीज की याद में बैठना. हेटेड होता है किसी से नफरत करना. रेमिनिस करना होता है, रेमिनिस करना होता है क्या, किसी चीज को याद करना, विच मीन्स टू फील नॉस्टैल्जिया. टू रेमिनिस इज टू फील नॉस्टैल्जिया. ओके, सो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 कंक्लूड होता है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.